किया एंड आफ्टर दैट हम लोग लोकिया के बारे में पढ़ने के बाद जो है लोकिया से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लोकिया। लोकिया जो है परपीरियम में देखा जाता है एंड लोकिया जो है वो थ्री टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लोकिया बेस्ड ऑन द कलर, कलर के बेस पे जो है देयर थ्री टाइप्स के लोकिया होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकिया रूब्रा, जिसे फर्स्ट जो हमारा क्या है लोकिया रूब्रा, लोकिया रूब्रा होता है दैट इज़ फर्स्ट टाइप ऑफ लोकिया, लोकिया सिरोसा सेकंड टाइप ऑफ लोकिया एंड लोकिया अल्वा थर्ड टाइप ऑफ लोकिया। तो लोकिया सिरो लोकिया जो लोकिया रूब्रा जो होता है उसे लोकिया क्रियोनेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कहते हैं क्रियो क्रियोनेटा भी कहते हैं इसे, लोकिया क्रियोनेटा भी कहते हैं लोकिया रूब्रा को, लोकिया क्रियोनेटा भी कहते हैं। इज़ द ब्लडी, ये जो है ब्लडी रेड कलर पोस्ट पार्टम वजाइनल डिस्चार्ज होता है ड्यूरिंग फर्स्ट फोर डेज। ये कब होता है? फर्स्ट फोर डेज, फर्स्ट फोर डेज, ये याद रखने वाला पॉइंट है। फर्स्ट फोर डेज जो होता है वो क्या है? फर्स्ट फोर डेज जो होता है वो लोकिया रूब्रा होता है फर्स्ट फोर डेज। इसमें क्या होता है? पोस्ट पार्टम वजाइनल डिस्चार्ज होता है रेड कलर का, दैट इज लोकिया रूब्रा। एंड लोकिया सिरोसा में क्या होता है? लोकिया सिरोसा में थिन वाटरी होता है एंड येलो और पेल ब्राउन कलर। कैसा होता है जो लोकिया सिरोसा होता है? ये थिन होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये याद रखने वाला है। एंड येलो और पेल ब्रेन ब्राउन एंड पिंक कलर। कैसा होता है? येलो पेल ब्राउन और पिंक कलर का जो होता है लोकिया सिरोसा होता है। एंड हेयर कैंसी को ये जो डिस्चार्ज होता है लोकिया सिरोसा वाला, लोकिया सिरोसा वाला जो डिस्चार्ज होता है वो कितने दिन के लिए होता है? वो होता है डिस्चार्ज बिटवीन 5 to 9 days। और हम लोगों ने पढ़ा था लोकिया रूब्रा वो कितना था? 4 days। एंड लोकिया सिरोसा जो है 5 to 9 days। एंड लोकिया रूब्रा जो है वो रेड कलर का पोस्ट वाटर बजाने ब्लीडिंग होती है एंड इसमें लोकिया सिरोसा में जो होती है वो येलो पेल ब्राउन और पिंक कलर की ब्लीडिंग होती है वजाइनल ब्लीडिंग 5 to 9 days में। एंड लोकिया नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट जो टाइप पढ़ेंगे लोकिया दैट इज़ लोकिया अल्वा। तो लोकिया अल्वा जो होता है वो उसमें डिस्चार्ज वजाइनल ब्लीडिंग डिस्चार्ज होता है वो 10 to 15 days होता है। लोकिया रूब्रा जो है उसका 4 days का रहता है एंड लोकिया सिरोसा का 5 to 9 days एंड लोकिया अल्वा का जो है वो 10 to 15 days रहता है। लोकिया रूब्रा जो है उसमें रेड वजाइनल ब्लीडिंग, लोकिया सिरोसा जो है उसमें जो है वह येलो एंड पिंक एंड ब्राउन ब्लीडिंग एंड लोकिया अल्वा जो है उसमें जो है पेल वाइट पोस्ट पार्टम वजाइनल ब्लीडिंग और पेल वाइट। नेक्स्ट अब देखते हैं लोकिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो लोकिया अल्वा फॉलोज लोकिया सिरोसा। लोकिया अल्वा जो है लोकिया सिरोसा एंड यूजली लास्ट फॉर फर्स्ट टू थर्ड वीक बीबी व्हाट इज टाइप ऑफ लोकिया। तो इसने पूछा है किस टाइप का ये लोकिया है? तो क्या ब्राउन रेड कंटेंट रेसिडुअल सेल्स एंड ल्यूकोसाइट्स। तो इसमें क्वेश्चन में आंसर ऑप्शंस हम देखेंगे कि ब्राउन टू रेड कंटेंट एसिडुअल सेल्स एंड ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट है हमारा क्रीमी वाइट ब्राउन कंटेंट एसिडुअल सेल्स में हैव स्टेल ऑर्डर। ब्राउन टू रेड टिश्यू फ्रेगमेंट कलर क्रीमी वाइट ब्राउन स्टेल ऑर्डर। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा क्रीमी वाइट ब्राउन कंटेंट एसिडुअल सेल्स में हैव स्टेल ऑर्डर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ द रॉन्ग टर्म यूज फॉर लोकिया इन द परपीरियम। एक टर्म ऐसा जो है जो रॉन्ग है जो कि यूज़ किया जाता है परपीरियम ऑफ द लोकिया। तो लोकिया रूब्रा इट इज़ द राइट एंड लोकिया सिरोसा ऑल्सो इट इज़ राइट एंड लोकिया अल्वो। सो इन करेक्ट ऑप्शन जो है लोकिया वेनोसा हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो रॉन्ग टर्म पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, रॉन्ग टर्म पूछा है। तो रॉन्ग टर्म क्या है हमारा? लोकिया वेनोसा हमने नहीं पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है लोकिया रूब्रा के बारे में, सिरोसा एंड लोकिया अल्वा। थ्री देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लोकिया एंड लोकिया वेनोसा हम लोगों ने नहीं देखा है, इट इज़ अ रॉन्ग टर्म फॉर द लोकिया इन द परपीरियम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकिया रूब्रा इज, ये सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है लोकिया का जो करेक्टरिस्टिक्स पूछी हैं लोकिया की, लोकिया रूब्रा की करेक्टरिस्टिक्स पूछी हैं। तो लोकिया रूब्रा कैसा होता है? लोकिया रूब्रा की करेक्टरिस्टिक्स पूछी हैं। तो लोकिया रूब्रा जो है वो क्या येलो वाइट होता है,
या लोकिया रूब्रा फोल ऑर्डर होता है, या लोकिया रूब्रा पिंक ब्राउन और प्लस ऑर्डर का होता है, या लोकिया रूब्रा जो है ब्लीडी एंड फ्लसी ऑर्डर होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था लोकिया रूब्रा जो है वो ब्लीडी विद फ्लसी ऑर्डर होता है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर कैन सी विच ऑफ द फॉलोइंग लोकिया फाइंडिंग्स इज एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर्स पोस्ट ऑफिस। इनमें से कौन से प्रकार का जो लोकिया है उसमें फाइंड किया जाता है इज एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर्स पोस्ट डिलीवरी। तो पोस्ट डिलीवरी यानी कि डिलीवरी के बाद जो है फर्स्ट 24 आवर्स के दौरान जो है वो लोकिया कौन से प्रकार का फाइंड किया जाता है। तो ब्राइट रेड कलर जो है, ब्राइट रेड टाइप का जो लोकिया है वो लोकिया जो है फाइंड आउट किया जाता है, एक्सपेक्ट किया जाता है ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर्स पोस्ट डिलीवरी, ब्राइट रेड कलर का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, वॉट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ लोकिया सिरोसा। तो लोकिया सिरोसा का हम लोगों ने लोकिया रूब्रा पढ़ा था, क्या पढ़ा था, लोकिया रूब्रा। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ लोकिया सिरोसा, तो लोकिया सिरोसा का ड्यूरेशन क्या रहता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है लोकिया सिरोसा का, लोकिया रूब्रा का जो हम लोगों ने पढ़ा है, लोकिया रूब्रा का टाइम ड्यूरेशन पढ़ा है दैट इज़ 4, एंड लोकिया सिरोसा का हम लोगों ने पढ़ा है 5 to 9, एंड अल्वा का पढ़ा है 10 to 15 days। तो इसमें पूछा है सिरोसा का, तो दैट इज़ 5 to 9 days जो होता है लोकिया सिरोसा का होता है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें रहेगा 5 to 9 days। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पे। एवरेज अमाउंट ऑफ लोकिया डिस्चार्ज फॉर द फर्स्ट 5 to 6 days आफ्टर डिलीवरी इज एस्टिमेटेड टू बी। एवरेज अमाउंट ऑफ लोकिया, लोकिया का जो एवरेज अमाउंट रहता है, लोकिया का एवरेज अमाउंट डिस्चार्ज रहता है फर्स्ट 5 to 6 days आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद वो एस्टिमेट किया जा सकता है कितना। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या 100 ml होता है, या फिर 250 ml, या फिर 300 ml, या फिर 450 ml। एवरेज अमाउंट ऑफ लोकिया डिस्चार्ज रहता है 5 से 6 दिन फर्स्ट 5 to 6 days आफ्टर डिलीवरी इज एस्टिमेटेड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा 250 ml, इट इज़ द राइट फॉर द फर्स्ट 5 to 6 आफ्टर डिलीवरी इज एस्टिमेटेड ऑफ द लोकिया डिस्चार्ज। सो नॉर्मल अमाउंट ऑफ टोटल लोकिया जो होता है, नॉर्मल अमाउंट जो टोटल लोकिया होता है वो कितना रहता है, 400 ml। नॉर्मल अमाउंट ऑफ टोटल लोकिया दैट इज़ 400 ml, दैट इज़ 400 ml। अप्रोक्सीमेटली जो है वो लगभग जो है वो 250 ml, बट लॉस्ट इन द फर्स्ट 5 to 6 days जो है लगभग कितना रहता है 250, बट टोटल लोकिया कितना रहता है 400 ml। ये चीज़ याद रखने के लिए है। नाउ हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड परपीरियम, यानी कि जो परपीरियम है हमारा टॉपिक ओबीसी सब्जेक्ट में। तो जो हमारा परपीरियम टॉपिक है दैट इज इम्पॉर्टेंट, एंड परपीरियम से रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशंस पढ़ेंगे हम लोग पढ़ते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो है हमारे MCQs लाइक PPH या जो भी टॉपिक्स बनते हैं उनसे रिलेटेड हम लोग MCQs को कवर करेंगे। एंड अगर आप CHO, AIIMS, नॉर्थ स्टेट स्टाफ नर्स, पोस्ट GHC नर्सिंग या कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं क्वेश्चंस, बिकॉज इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली जो है पूछे जाते हैं। तो हमारा आज जो ये टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू परपीरियम। सो परपीरियम में हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे PPH के बारे में। तो PPH का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, PPH क्या होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज, PPH दैट पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हैमरेज दैट इज़ PPH। एंड इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, सो मेजर कॉम्प्लिकेशन इन थर्ड स्टेज ऑफ लेवर इज। थर्ड स्टेज यानी कि जो फर्स्ट स्टेज, लेवर की कितनी स्टेज होती हैं, दैट इज़ 4 stages ऑफ लेवर। तो थर्ड स्टेज में जो मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है, मेजर कॉम्प्लिकेशन एंड जो साइड इफ़ेक्ट्स और मोस्ट कॉमन साइन ऑफ डिजीज, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो मेजर कॉम्प्लिकेशन पूछा है थर्ड स्टेज ऑफ लेवर का, तो क्या पेरिनियल इंजरी है, या सब इनोवेशन है, या PPH है, या यूट्राइन रप्चर है।
तो जो हमारा पीपीएच जो होता है मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है थर्ड स्टेज ऑफ लीवर का, पोस्टमार्टम हेमरेज जो है इट इज़ अ मेजर कॉम्प्लिकेशन इन थर्ड स्टेज ऑफ लीवर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पोस्टमार्टम हेमरेज इज लॉस ऑफ ब्लड, पोस्टमार्टम हेमरेज इज लॉस ऑफ ब्लड, पोस्टमार्टम हेमरेज में ब्लड का लॉस होता है विच इज़ मोर देन, यानी कि पीपीएच में कितना ब्लड लॉस होगा जब जब कहेंगे उसे, जब उसे पीपीएच कहेंगे यानी कि पोस्टमार्टम हेमरेज कब कहेंगे, जब कितने से ज़्यादा ब्लड जो है वो लॉस हो, तो लगभग 500 ml से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हुआ है दैट इज़ पीपीएच, तो वो कंडीशन कौन सी होती है, तो वो कंडीशन होती है पीपीएच, पोस्टमार्टम हेमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ब्लीडिंग आफ्टर 24 आवर्स के बाद जो ब्लीडिंग होती है डिलीवरी के 24 आवर्स बाद जो ब्लीडिंग होती है इज कंसिडर एज पोस्टमार्टम हेमरेज, तो 24 घंटे बाद जो ब्लीडिंग हो रही है वो कंसीडर करता है पोस्टमार्टम हेमरेज, तो वो कितना पोस्टमार्टम हेमरेज में 500 ml या when blood loss is more than 700 ml या when blood loss is more than 200 ml, तो हम लोगों ने देखा है कि 500 ml से ब्लड जो है ज़्यादा लॉस होता है दैट इज़ कंसिडर कंडीशन एज पोस्टमार्टम हेमरेज, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए जो है सही रहेगा दैट इज़ ब्लड व्हेन ब्लड लॉस इज मोर देन 500 ml दैट इज पोस्टमार्टम हेमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंटेंट देखकर हम लोग जो है इस क्वेश्चन को क्लियरफाई करते हैं कि हेमरेज जो है मोर देन 500 ml अगर हो आफ्टर चाइल्ड बर्थ तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे पोस्टमार्टम हेमरेज कहते हैं। अर्ली पोस्टमार्टम हेमरेज जो होता है, यहाँ पे आपको बताया गया अर्ली पोस्टमार्टम हेमरेज, तो अर्ली पोस्टमार्टम हेमरेज में उसका मीन्स होता है ब्लड लॉस ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स के दौरान जो ब्लीडिंग लॉस होता है आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद जो है 24 घंटे के अंदर जो ब्लीडिंग लॉस होता है द मोस्ट कॉमन कॉज इज लॉस ऑफ यूट्राइन टोन जिसे एटॉनिक यूट्रस कहते हैं कॉज्ड बाय ओवर डिस्टेंशन। एंड लेट पोस्टमार्टम हेमरेज में क्या होता है, लेट पोस्टमार्टम हेमरेज, अर्ली पोस्टमार्टम हेमरेज में आपने देखा है कि इसमें क्या बताया है ब्लड लॉस ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स के बिफोर यानी बिफोर फर्स्ट 24 आवर्स में के 24 आवर्स के अंदर जो है ब्लीडिंग लॉस होना दैट इज़ अर्ली पोस्टमार्टम हेमरेज। एंड लेट पोस्टमार्टम हेमरेज जिसे सेकेंडरी पीपीएच कहते हैं ये अगर होता है आफ्टर द 24 आवर्स जो ब्लीडिंग लॉस होता है दैट इज़ लेट पोस्टमार्टम हेमरेज और विद इन पर्पियरियम इट यूजली कॉज्ड बाई रिटेन पैसेंटर फ्रेगमेंट, ये जो है ज़्यादातर रिटेन पैसेंटर फ्रेगमेंट की वजह से लेट पोस्टमार्टम हेमरेज होता है 24 आवर्स के बाद जो ब्लीडिंग कॉज होती है दैट इज लेट पोस्टमार्टम हेमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, हियर यू कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कॉज, यहाँ पे क्या पूछा है मेजर कॉज, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है मेजर कॉज पूछ रहा है किसका, पोस्टमार्टम हेमरेज का, पोस्टमार्टम हेमरेज का मेजर कॉज पूछ रहा है यानी कि जो ब्लीडिंग होती है आफ्टर डिलीवरी तो वो उसका मेजर कॉज क्या है पोस्टमार्टम हेमरेज का, तो पोस्टमार्टम हेमरेज में तो क्या प्री क्लम्सिया है मेजर कॉज या इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन एक्शन है या एटॉनिक यूट्रस है या थ्रोम्बोवेन है, तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा एटॉनिक यूट्रस, इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा एटॉनिक यूट्रस, एटॉनिक यूट्रस इज द मेजर कॉज ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉजेज ऑफ पीपीएच आर यूट्राइन अटोनिक, कॉजेज ऑफ पीपीएच, पीपीएच का जो कॉज रहता है यूट्राइन अटोनिक रेसिलेशन ऑफ सर्विक्स एंड वजाइना हेमेटोमा फॉर्मेशन एंड रिटेन प्लेसेंटा फ्रैगमेंट, पीपीएच का जो कॉज रहता है दैट इज यूट्राइन अटोनी यानी कि टोनिसिटी जो है यूट्रस की जो टोनिसिटी होती है वो एबसेंट होती है, एबसेंट द टोनिसिटी ऑफ यूट्रस दैट इज यूट्रस अटोनी, लैसिरेशन अगर सर्विक्स का होता है या वजाइना का ये हेमेटोमा फॉर्मेशन हो गया है या प्लेसेंटा रिटेन फ्रैगमेंट तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे वो उसकी वजह से पीपीएच कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंटिन्यूस ब्लीडिंग आफ्टर सेकेंड स्टेज ऑफ लीवर यानी कि
सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन, आफ्टर द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर जो कंटिन्यू ब्लीडिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, तो एटोनिक यूट्रस, एटोनिक यूट्रस इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, एटोनिक यूट्रस, एटोनिक यूट्रस की वजह से जो है कंटिन्यू ब्लीडिंग रहती है आफ्टर सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के बाद जो है कंटिन्यू ब्लीडिंग रहती है, दैट इज एटोनिक यूट्रस की वजह से, यानी कि अगर यूट्रस की टॉनिसिटी एबसेंट हो गई है तो ब्लीडिंग कंटिन्यू होती है आफ्टर सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस लोब ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का जो लोब होता है इज लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग पोस्टपार्टम पीरियड, इट इज़ मेनली टू, तो इसका ये किसकी वजह से हो सकता है, ये पीपीएच की वजह से कॉज हो सकता है, कि अगर क्या है इसमें क्वेश्चन पूछा, इन केस लोब ऑफ प्लेसेंटा, कोई प्लेसेंटा का जो लोब है, प्लेसेंटा में जो लोब होते हैं लगभग अप्रोक्सीमेट जो लोब होते हैं वो 29 लोब्स होते हैं, तो जो है 29 लोब्स में से एक भी जो लोब है वो कोई भी ऐसा केस है जो प्लेसेंटा का कोई ऐसा लोब, कोई एक लोब जो है वो लेफ्ट बिहाइंड पीछे रह जाता है ड्यूरिंग पोस्टपार्टम पीरियड, तो वो किसकी वजह से होता है, ऐसा किसकी वजह से होता है, तो ऐसा पीपीएच की वजह से होता है, पोस्टपार्टम हैमरेज की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, अ प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर, एक प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर इन डिटरमाइनिंग, एक प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर इन डिटरमाइनिंग वेदर एन एक्सपेक्टेंट वुमेन मे हैव पोस्टपार्टम हेमरेज, प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर जो है डिटरमाइन करने में वेदर एक्सपेक्टेंट वुमेन, एक एक्सपेक्टेंट वुमेन जो है मे हैव पोस्टपार्टम हेमरेज, इस तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हर यूट्रस इज मोर ओवर डिस्टेंडेड, हर यूट्रस इज ओवर डिस्टेंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर ऑफ पीपीएच आर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पीपीएच, प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर ऑफ पीपीएच जो है प्रीवियस हिस्ट्री है पीपीएच की, प्लेसेंटा प्रीविया की, एब्रप्सी ऑफ प्लेसेंटा की, ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस की ड्यू टू हाइटोमिनोस एंड मल्टीपल प्रेगनेंसी इन्फेक्शन मल्टीपैराइटी डिस्टोसिया एनीमिया एंड प्रोलॉन्ग लेबर, ये सब प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर हैं पीपीएच के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखेंगे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मैथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच, सभी जो हैं वो मेथड हैं प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच, पीपीएच के प्रिवेंशन के लिए सभी मेथड हैं, यानी कि पीपीएच को पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट किया जा सकता है इन सभी मेथड से किसी एक को छोड़कर, तो वो कौन सा है ऑप्शन जिसे छोड़कर सभी मेथड हैं, तो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर ये भी पीपीएच में किया जाता है, एंटीनेटल आयरन सप्लीमेंटेशन दिया जाता है, मल्टीपैराइटी प्रिवेंट की जाती है, इसलिए हमारा पीपीएच को क्या ऑप्शन हमारा इसमें सही रहेगा, डिलीवरिंग प्री मैच्योर बेबी, क्योंकि सभी ये मेथड होते हैं प्रिवेंशन, सभी ये मेथड होते हैं प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच, यानी अगर पीपीएच है तो मल्टीपैराइटी को प्रिवेंट किया जाना चाहिए, आयरन सप्लीमेंटेशन एंटीनेटल वुमेन को देना चाहिए, देने दिया जाना चाहिए, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का एक्टिव मैनेजमेंट किया जाना चाहिए, बट डिलीवरिंग प्रीमैच्योर बेबी इट इज नॉट, ये कोई मेथड नहीं है प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच का, तो इसलिए हमारा एक्सेप्ट पूछा था क्वेश्चन में, इसलिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डिलीवरिंग प्रीमैच्योर बेबी। सो हियर यू कैन सी, जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग अ बिगर यूट्रस, बिग और एंड बिगर यूट्रस, बिग और बिगर यूट्रस ब्लीडिंग एंड रैपिड पल्स इन द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर आर द साइन ऑफ, बिग और बिगर यूट्रस जो होता है ब्लीडिंग एंड रैपिड पल्स है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में, ये कैसा साइन है, ये कैसा साइन है, तो ये पोस्टपार्टम हेमरेज का साइन होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज का ये साइन होता है, कौन सा, पोस्टपार्टम हेमरेज का ये साइन होता है, अगर बिग और बिगर यूट्रस हो गया है, बिग एंड बिगर यूट्रस ब्लीडिंग हो गई है एंड रैपिड पल्स हो गया है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में, तो ये साइन होता है किसका, तो ये साइन होता है पीपीएच का, पोस्टपार्टम हेमरेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन ऑफ पीपीएच, पीपीएच आर बिग और बिग बुगी यूट्रस, बुगी यूट्रस कैसा यूट्रस, बुगी यूट्रस, बिग और बगी यूट्रस जो है ड्यू टू फिलिंग ऑफ ब्लड एंड क्लॉट इन द यूट्रस, यूट्रस में जो है ब्लड और क्लॉट फिल हो गया है, तो उसकी वजह से साइन देखने को मिलेगा पीपीएच में बगी यूट्रस, बिग और बगी यूट्रस, क्लॉट इन द यूट्रस फेलर रैपिड पल्स डिक्रीज बीपी कूल एंड क्लेमी स्किन एंड अल्टर कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर यू कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इफ नोटेड वुड बी अर्ली साइन ऑफ एक्सेसिव ब्लड लॉस इन अ मदर इन इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड। विच ऑफ द फॉलोइंग साइन, इनमें से कौन सा साइन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इफ नोटेड, अगर आपने नोट किया है, वुड बी एन अर्ली साइन ऑफ एक्सेसिव ब्लड लॉस इन द मदर इज इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ए दैट इज अ इंक्रीज इन द पल्स रेट फ्रॉम 88 टू 102 ब्रेस्ट पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स वुड अलर्ट द नर्स, इनमें से कौन सा ऐसा फाइंडिंग है जो नर्स को अलर्ट करता है टू इनिशिएट नर्सिंग एक्शन, यानी कोई नर्सिंग एक्शन लेने के लिए शुरू करने के लिए नर्स को अलर्ट करता है टू प्रिवेंट पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन, यानी कि पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए अगर नर्स जो है क्या वो एक्शन लेगी स्टार्टिंग में, तो क्या वो ओरल टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस फर्स्ट 24 आवर्स में वो डायग्नोस करेगी या 90 by 50 mmHg टू आवर्स आफ्टर डिलीवरी, या यूरिनरी आउटपुट इज 60 ml पर आवर, या अमाउंट ऑफ प्रोग्या इज 6 inches और लेस ऑन अ पेरिनियल पैड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा बीपी इज 90 by 50 mmHg टू आवर आफ्टर डिलीवरी। Which of the following findings would alert the nurse to initiate nursing action to prevent postpartum complication? तो पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए एक नर्स जो है क्या इनिशिएट लेती है, यानी कि क्या नर्सिंग एक्शन जो है वो लेती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा बीपी इज 90 by 50 mmHg टू आवर आफ्टर डिलीवरी। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, बीपी जो है 90 by 50 mmHg है डिलीवरी के बाद, 2 घंटे डिलीवरी के बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मैनेजमेंट ऑफ एटोनिक पीपीएचएस, यानी कि एटोनिक जो पीपीएच है एंड एटोनिक पीपीएच का मतलब क्या होता है, यानी कि जो यूट्रस का जो एटोनिसिटी जो होती है वो एब्सेंट हो जाती है, दैट इज़ एटोनिक। सो मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट पूछा है अब एटोनिक पीपीएच का, तो एटोनिक पीपीएच का मैनेजमेंट क्या होगा, तो एटोनिक पीपीएच का जो मैनेजमेंट है, यूट्राइन मसाज भी है, बायमैनुअल कंप्रेशन भी है, यूज ऑफ हाइपरबोलिक भी है, तो ऑल द अबव जो है सभी ऑप्शंस राइट हैं, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑल द अबव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट ऑफ एटोनिक पीपीएच इंक्लूड यूज ऑफ इकोबोलिक, मैनेजमेंट ऑफ एटोनिक पीपीएच, एटोनिक पीपीएच का जो मैनेजमेंट होता है इसमें यूज होता है इकोबोलिक, यानी कि एनी एजेंट, कोई भी एजेंट जो प्रोड्यूस करता है हेस्टेनिंग लेवल को, लाइक ऑक्सीटोसिन या प्रोस्टाग्लैंडिन, यूट्राइन मसाज को या बायमैलोन कंप्रेशन ऑफ यूट्रस को, यूट्राइन बैलून कंपोनेंट, ये सब जो मेथड होते हैं ये यानी कि जो एटोनिक पीपीएच है उसको मैनेज करने के ये सब मेथड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज एक्शन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, इनमें से कोई कौन सा ऐसा एक्शन है जो अप्रोप्रिएट नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा नॉट पूछा है, नॉट अप्रोप्रिएट यानी कि जो इनमें से कौन सा एक्शन ऐसा है जो अप्रोप्रिएट नहीं है, किसके लिए, फॉर अ मदर के लिए जो कि अर्ली पोस्टमार्टम हेमरेज जिनको हुआ है, तो कौन सा एक्शन जो है अप्रोप्रिएट नहीं है, तो क्या एडमिनिस्टर ऑक्सीटोसिन ये नहीं है, या चेक पैड काउंट चेक करके देख सकते हैं क्या, या फिर है इंसर्ट इंड्यूलिंग यूरिनरी कैथेटर, यानी कि इंड्यूलिंग कैथेटर को इंसर्ट करके, या फिर अप्लाई फंडल मसाज को अप्लाई करके, तो नॉट अप्रोप्रिएट नहीं है, कौन सा एक्शन जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है मदर के लिए जिसको अर्ली पोस्टमार्टम हेमरेज है, तो अर्ली पोस्टमार्टम हेमरेज हुआ है तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है चेक पैड काउंट, बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अर्ली पोस्टमार्टम हेमरेज में हम ये एक्शन नहीं ले सकते कि चेक पैड काउंट। नेक्स्ट है पोस्टमार्टम, व्हाट इज़ द मोस्ट
व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन मेजर कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन मेजर कॉम्प्लिकेशन पूछा है। मेजर कॉम्प्लिकेशन किसका? रिटेन प्लेसेंटल फ्रेगमेंट का। रिटेन प्लेसेंटल फ्रेगमेंट का मोस्ट रिटेन प्लेसेंटल फ्रेगमेंट का जो मोस्ट मेजर कॉम्प्लिकेशन है वो कौन सा है? तो मेजर कॉम्प्लिकेशन किसका? रिटेन प्लेसेंटल फ्रेगमेंट का। तो वो ऑप्शन है हमारा पोस्टपार्टम हैमरेज, ऑप्शन करेक्ट। पोस्टपार्टम हैमरेज जो होता है वो मेजर कॉमन मेजर कॉम्प्लिकेशन है रिटेन प्लेसेंटल फ्रेगमेंट का, दैट इज़ पोस्टपार्टम हैमरेज। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो होता है रिटेन प्लेसेंटल फ्रेगमेंट का आर पीपीएच होता है, कॉमनेस्ट होता है परप्यूरियम, परप्यूरियम इन्फेक्शन पोस्टपार्टम सब इन्यूलेशन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अंदर मैटरनल ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग पोस्टपार्टम हैमरेज आर, जो मैटरनल ऑब्जर्वेशन होता है पोस्टपार्टम हैमरेज फॉलो का, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? हमारा एस्टिमेट द टोटल वैल्यूम ऑफ ब्लड लॉस, ये हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है एस्टिमेट ऑफ टोटल वैल्यूम ऑफ ब्लड लॉस, ब्लड लॉस किसने हुआ है? तो मैटरनल ऑब्जर्वेशन है ये पोस्टपार्टम हैमरेज में कि ब्लड जो टोटल वैल्यूम क्या रहा है ब्लड लॉस का, उसको एस्टिमेट करना। ए बी सी जो है हमारे ऑप्शन सही है, ए बी और सी ऑप्शन जो है हमारे सही हैं। पल्स और टेम्परेचर को भी रिकॉर्ड करेंगे अभी 15 मिनट में, एंड सेंट्रल वेनस प्रेशर को भी मॉनिटर करेंगे, और टोटल वैल्यूम ब्लड लॉस कितना हुआ है उसको भी एस्टिमेट करना है इन द पोस्टपार्टम हैमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिमोट कॉम्प्लिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिमोट इज विच ऑफ द फॉलोइंग